फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है KGF चैप्टर 2 मूवी रिव्यू, यश, प्रशांत, नील, संजय दत्त, रवीना टंडन। तो चलो देखते हैं कि भैया रिव्यू कैसा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और जी क्या हाल चाल है आपके? आज जब मैं उठा ना सुबह सुबह तो देखा कि मेरे घर की बालकनी में आके बैठने वाली चिड़िया नजर नहीं आ रही थी। अच्छा कहाँ गई थी? आगे तो सुनो। फिर मैं दरवाजे पे अखबार लेने गया तो वो भी नहीं आया हुआ था। ओ नीचे वॉचमैन भैया को आवाज लगाई वो भी नहीं आए। कहाँ गए थे वो? दूध वाला भी नहीं आया था। क्या बात कर रहा है? तभी मैंने आज की डेट देखी और फिर मेरे को मालूम पड़ा कि ये सारे प्राणी थिएटर्स में ही मिलेंगे क्योंकि फाइनली आज देश भर के लड़कों के व्रत का फल मिला है। भाई साहब 2 साल से गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर रहे लड़कों को आज खर्च करने का रीजन मिल गया क्योंकि KGF 2 आ गया है। तालियां बजती रहनी चाहिए। और तुम्हारा भाई आज KGF 2 देखकर आ गया। रिव्यू करने से पहले इतना ही कहूंगा कि अगर दुनिया में भौकाल नाम की चीज है और वो एग्जिस्ट करती है तो वो रॉकी भाई है। अगर डेरिंग और ऑरा आज भी मार्केट में घूम रहे तो वो रॉकी भाई के कंधों पे ही घूम रहे हैं। रॉकी भाई का मतलब आग है। रॉकी भाई का मतलब इमोशन है। अरे और तो कुछ बोल बहुए। अरे मेरी तो नहीं आती लेकिन अगर आती तो मैं अपनी दाढ़ी भी रॉकी भाई की तरह ही रखता। भाई साहब करीब करीब 3 घंटे की ये फिल्म वो फील है जिसको लेने के बाद छाती अपने आप 6 इंच बढ़ जाती है। आदमी नॉर्मली मसाला खाता है लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद वो मसाला बोलने भी लगेगा। मतलब इतनी गोलियां चलाई गई है इसमें कि अमेरिका की आधी GDP तो लगता है बस अपने कर्नाटक के भाई लोग संभाले हुए हैं। इतना पीतल धरती पर नहीं है जितना स्क्रीन पर गिराया गया है। जो मार कुटाई इस पिक्चर में है मतलब इसको देखने के बाद मेरे समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों KGF के आगे कोई अपनी फिल्म रिलीज करने को रेडी नहीं था। मतलब हमारे हॉल में इतनी सीटें नहीं थी जितने लोग इसे देखने आए थे। मैं तो बता रहा हूँ हॉल वाले अगर नीचे दरी बिछा के पंगत लगा देते ना तो लड़के वहां भी बैठकर इसको देखने के लिए रेडी थे। कंट्रोल कर बउआ कंट्रोल। ये बता पिक्चर कैसी है? भाई साहब KGF 2 एक ऐसा चैप्टर है KGF 2 का जो चैप्टर है इसको मैं रोज पढ़ना पसंद करूंगा भाई साहब। लेकिन उससे पहले आपके इन्वेस्टमेंट का चैप्टर खोल के बता देता हूँ आपको। बोले तो US स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ बैठे बैठे। Apple, Google, FB, Tesla जैसी कंपनी के स्टॉक्स में। कैसे? IND मनी के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करके डाउनलोड करो। 0 अकाउंट ओपनिंग फीस, 0 ब्रोकरेज और 0 कमीशन। मतलब US कंपनी के स्टॉक्स महंगे होते हैं तो आप फ्रैक्शन में भी यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी ऐप डाउनलोड करके US स्टॉक अकाउंट में अगर आप फर्स्ट टाइम फंड करोगे तो आपको मिलेगा फ्री एप्पल शेयर्स वर्थ ₹750। साथ ही अगर हमारा कोड RJRR एप्पल यूज करोगे तो ₹50 का बोनस एप्पल स्टॉक्स भी मिलेगा। मतलब ₹800 के एप्पल शेयर्स वो भी फ्री। जल्दी से IND मनी डाउनलोड करो और इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। बात करते हैं पिक्चर की। तो गरुणा को मारने के बाद न सिर्फ KGF के लिए बाकी पार्टनर्स में लालच बढ़ा बल्कि इसने पूरे इंडिया में एक ऐसी बात फैला दी जिससे सरकारें हिल गई। और इसका बेताज बादशाह बना रॉकी। जब इस खेल में घुसा था तब उसका सामना गरुणा से था लेकिन इस पार्ट में ये मालूम पड़ा है कि गरुणा कोई चट्टान नहीं बल्कि सिर्फ एक पत्थर था। रॉकी का सामना इस बार सिर्फ अधीरा से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। रॉकी की एंट्री से लेकर फिल्म के 2 घंटे 15 मिनट तक सिर्फ भौकाल और बवाल है लेकिन आखिरी का आधा घंटा जो आपके लिए लेकर आता है ना भाई साहब वो इंडियन फिल्म हिस्ट्री में गोल्डन लेटर से लिखा जाएगा। फिल्म के क्रेडिट आने तक, वापिस से बोल रहा हूँ, फिल्म के क्रेडिट आने तक आपको वहां से हिलना नहीं है। एक मिड क्रेडिट सीन है जो आपको चिल्लाने पे मजबूर कर देगा। कहानी और उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से किया जा सकता है ये एक एग्जांपल है। संजय दत्त के सीन्स हो या फिर रॉकी के पावर शॉट्स, सब कुछ इतना पावरफुल है कि हम यहाँ बता ही नहीं सकते। उसको देखना पड़ेगा आपको थिएटर में जाके। और फिल्म में एक डायलॉग है जब राजेंद्र देसाई कहता है कि गरुणा को मारने के लिए जो हथौड़ा तैयार किया उसको तोड़ने के लिए दूसरा रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? और भाई साहब तब रॉकी जवाब देता है कि भाई जब मेरे बाप से नहीं हुआ तो तुम लोगों से घंटा होगा। छप्पर फाड़ के ये डायलॉग निकला था और लोगों ने जो सीटियां तालियां पीटी थी भाई साहब। ऐसा ही एक दूसरा सीन है जब रॉकी रमी से मिलने जाता है तब एक US की कंपनी के CEO से उसकी बातचीत में वो पूछता है कि ये CEO क्या है। तब रॉकी को वहां खड़ा एक एम्प्लॉय उसके बारे में बताता है। उसके बाद जो डायलॉग आता है मैं नहीं बताऊंगा आप जाके देख कर आओ क्या लिखा है। चाहे इनायत खलील वाला सीन हो या फिर रमिका के साथ रॉकी की बातचीत ये सब आपको याद रह जाएगा क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीके से लिखे हैं। और फिल्म के क्लाइमेक्स की बात करें तो जिस बड़े लेवल पर वो शूट हुआ है वो एक गैंगस्टर मसाला फिल्मों को बनाने का नया तरीका बताता है। फिल्म में रॉकी की माता जी का सीन, उसका मोटिवेशन, अधीरा का पावर, रॉकी के मिशन का क्लैश साफ नजर आता है। KGF एक इमोशन है इसलिए हर कैरेक्टर एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। फिल्म का म्यूजिक इसकी पावर है जो आपको पूरे टाइम बांधे रखता है। और सबसे बड़ी बात
ये यहीं पे नहीं रुकेगा, आगे भी आएगा। अब क्या आगे रॉकी अधीरा को हटा पाएगा? क्या अधीरा केजीएफ कब्जा कर पाएगा? इसका चैप्टर 3 कब आएगा? इसके लिए आपको पिक्चर जाके देखनी पड़ेगी। आपने टिकट बुक कराई या देख कर आए, जो भी हो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, डिस्क्रिप्शन में जाना, INDMoney मनी का लिंक दिया है, डाउनलोड करना, और फ्री एप्पल शेयर्स आपको कैसे मिलेंगे वो मैंने वीडियो में ऊपर बताया हुआ है, वापस से जाके वीडियो देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। तो भाई बताओ, आप सबने देख ली क्या? किस किस ने देख ली सब कमेंट में बताएंगे। देख ली नहीं देखी, देख ली नहीं देखी, देखते कितनी मेजोरिटी आती है। ठीक है ना, देखी होगी मोस्टली देख ली होगी, मुझे तो लगता है इंडिया में तो सबने देख ली होगी। हमने अभी नहीं देखी, पर इतना अच्छा वो जो बोल रहे हैं, हमें लगता है हमें भी जल्दी देखनी चाहिए अब तो। पर देखते अब कैसे जल्दी जल्दी देखेंगे, कहाँ है सब स्टडी करना पड़ेगा। पर हमें पहले से ही था कि हमने देखनी है, वो तो हमने पहले से हमें पता ही है, क्योंकि ट्रेलर देखते ही हमने कहा था कि लग बहुत अच्छी रही है मूवी। तो बस ये है कि अब टाइम ढूंढ के जाना है। ठीक है ना, तो आप ही बताना आपने देखी तो आपको कैसी लगी, पर रिव्यू वाज फैंटास्टिक। अच्छा, और इससे पता चल रहा है कि संजय दत्त जो है, मुझे लगा था शायद इसी मूवी में जो है खत्म हो जाएंगे। हाँ, पर इससे इतना जरूर पता चल गया कि मुझे पता है ये रिव्यू देखनी नहीं चाहिए थी, थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो ही गया हमें बिना देख पता कि हमें देखना पता लग गया। हाँ, कि उसे ये पता चलेगा, नहीं तो मूवी में हमें, मैं हमेशा पूरा टाइम यही सोच रही होती कि एंड में ये मरेगा कि नहीं मरेगा, संजय दत्त को मार देते हैं कि नहीं मार देते। अब पता चल गया तो अब वो मेरा सोचना खत्म हो जाना है। तो ये पता चल गया कि वो अभी तक नहीं खत्म हुए हैं, और नेक्स्ट पार्ट में फिर उनके बीच में जो है फाइटिंग, हाँ चैप्टर 3 आएगा और फाइटिंग होगी। पर जिस तरह से बताया कि भैया हर चीज बहुत ही बढ़िया है और सब कुछ मतलब खाली था, क्योंकि सब थिएटर में गए हुए थे ये मूवी देखने। राइट, इसमें देखिए अब बॉलीवुड को देखना पड़ेगा, पॉइंट यही आता है, अच्छी टक्कर दे रहे हैं बॉलीवुड को। सदर इंडिया से एक मूवी आती है जो बॉलीवुड की, जो इतना पैसा लगा हुआ है बॉलीवुड में, तो उनको हरा देती है। बॉलीवुड हड़कंप में होगा। और मजे के बाद देखिए कि मिस्टर दत्त जो हैं वो सदर इंडिया मूवीज में भी आ गए हैं। हाँ, रवीना टंडन भी, रवीना टंडन तो अब बॉलीवुड वाले मूव कर रहे हैं, उन्हें दिख रहा है कि भैया यहाँ पे अपनी बात नहीं बन रही, अब धीरे धीरे यहाँ घुसो, पर आई होप वहाँ घुस के उसको भी ना खराब कर दे। और वहाँ पे नहीं, एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। उन्होंने भी इसीलिए लिया होगा कि आप अच्छे एक्टर, संजय दत्त का बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, आई रियली लव्ड इट। उसे देख के वाकई आपको मतलब गुस्सा टाइप आता है, घबराहट होती। बनाई मूवी बहुत ही अच्छी, स्पेशली चैप्टर 1 ही जब है बहुत सक्सेसफुल था, तो लोगों को है कि आप कहानी पूरी कंप्लीट करिए। और जैसे स्टोरी टेलर होता है वो वैसे ही करता है, कोई ना कोई क्लाइमेक्स छोड़ता है। अब नंबर 2 में कहीं ना कहीं रोकेंगे, फिर लगेगा यार पार्ट 3 आना चाहिए, फिर जल्दी आना चाहिए। राइट, और जैसे आप इमेजेस देखते हैं, आपको हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस नजर आ रही हैं, बहुत ही जबरदस्त मेकअप नजर आ रहा है, आपको साउंड अच्छी लग रही है, जो एक्टर्स हैं उनका नया हेयर स्टाइल भी है ऐसे, मतलब नॉर्मल उस टाइप का है नहीं जो आप ऐसे अलग से हेयर स्टाइल बनाया, तो अपनी आइडेंटिटी लेके आ रहे हैं। स्पेशली मुझे तो विजुअल इफेक्ट्स, लोगों ने भी कहा था कि डबिंग भी बहुत अच्छी है, और इसमें ही कहा था मेरे ख्याल से डबिंग अच्छी है, यहाँ तो इन्होंने बात की डबिंग की बात ही नहीं की। अगर ये हिट हो रही है तो जो भी प्रोड्यूस किया है लोगों को लग रहा है इट्स ओके। अब बाद में ऐसा भी होगा कि मल्टीलिंगुअल हो जाएंगे एक्टर्स, कि जो मल्टीपल भाषाओं में बोल के अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ऐसे ही होने वाला है अभी। मगर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है कि क्वालिटी फिल्म जो है सक्सीड हो रही है। पर इन्होंने पैसा भी बहुत लगाया है बनाने में, तो ऑब्वियसली जब इतना पैसा लगाया लार्ज स्केल में, तो उन्होंने लार्ज स्केल इस केस में, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कितनी पूरा उनके कितने सारे लोग खड़े हुए हैं, जैसे कह रहे कितनी फायरिंग हो रही है, क्या क्या कर रहे हैं, वो कह रहे इतनी गोलियां कर दी कि वो ऐसे ऐसे रिलेट कर दिया। और मेरे को पता है उसमें जैसे सीन्स दिखाए ना वो बहुत सुंदर है, दिखा रहे थे कैसे हेलीकॉप्टर जा रहा है और नीचे इतनी सारी जो ट्रक्स है या जीप्स है वो उनकी लाइन जा रही है, तो ये जो पिक्चराइजेशन की है ना बहुत हाई क्वालिटी है, वो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।